मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। इस देख सकते हो हाँ कितने, एक तो धूप इतनी जल्दी निकल जाती है बहुत ज़्यादा, और मेरा झाड़ू पोछा भी लग चुका है, सुबह का सारा काम हो चुका है। तो गाइस देख मेरे पैर थोड़े से गंदे, पूछ लेती हूँ। हाँ तो गाइस सोफ़ा कवर ठीक कर दिए हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ लगा दिया, टाइम भी दिखा देती हूँ, सारा कुछ साफ कर दिया, देख सकते हैं। यहाँ भी तमिल वापस हो गई है, इसमें भी मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। गाइस देख सफा रहता है तो कितना अच्छा लगता है घर। यहाँ भी मैंने सारा लगा दिया है, अब पंखे चला रखे हैं, पोछा सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने लगाई है फिश टैंक में लाइट, इसका वो टूट गया था, छार ने तोड़ दिया। तो गाइस डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो चुका है, और यहाँ भी पोछा लगा दिया है मैंने सारा, मंदिर में भी पोछा लग गया है। और गाइस यहाँ धर दिया, मैंने कहा इतना झाड़ू पोछा लगेगा इतने चने हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने चने और धर दिए हैं उबलने के लिए। और गाइस ये कुछ बर्तन रात रह गए थे तो वो नहीं धोए थे, तो वो मैंने अब धोए हैं। और मेरे को सारे ही बर्तन कुछ तो मैंने मांझ के धोए हैं, फिर ये मुझे दोबारा ही मांझने पड़े, क्योंकि इनमें एक छिपकली निकली आई उस वजह से, उसे बाहर फेंक के आई, और फिर ये परात वरात सब कुछ मैंने दोबारा धोई है, सिंक वगैरह सब कुछ साफ हो चुके हैं। और अब दिखा देती हूँ आपको टाइम कितना हो रहा है। तो यहाँ से नहीं दिखेगा इस 2 मिनट, पंखे भी बंद करूँगी, सूखने वाला है। तो गाइस टाइम हो रहे हैं 7, और 7 बजे तक मेरा सारा काम निमट गया। तो चलिए बाकी की बातें करूँगी नहाने के बाद, नहाने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस सारा काम निपटा के चली गई थी नहाने, नहाने के बाद में आके पहले मैंने आटा मांड के रख दिया है, पीछे दिख रहा है आपको, और चाय रख दी है क्योंकि तन्नू पापा चाय के लिए बोल रहे जग गए हैं, तो क्योंकि इसके उनको कहीं जाना है अभी, तो मैंने फटाफट से चाय रख दी है। और मैं रेडी होके आ गई हूँ, और फटाफट से बनाती हूँ मैं हलवा, और फटाफट से बनाती हूँ फिर हलवा और क्या बोलते हैं चने छोंक लेती हूँ। आटा मांड के रख दिया, फिर एक साइड मेरा हलवा बन जाएगा और एक साइड चने छोंक दूँगी, जल्दी जल्दी काम करूँगी। और टाइम से पहले मुझे जिमानी सॉरी कई कन्या तो यहाँ मिलती नहीं है, छोटी छोटी कन्या मिलेंगी भी तो बहुत दूर जाके हैं, एक दो तो हैं हमारे ऊपर किराएदार के बच्चे हैं, बस एक ही लड़की है, बाकी का मुझे पता नहीं, बाकी तो बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पर। तो मैं माता रानी का भोग लगा दूँगी, और जो थोड़ा बहुत प्रसाद बचेगा उसे मैं नीचे लेबर के बच्चे होते हैं ना उनको दे दूँगी। तो चलिए गाइस खाना बना लेते हैं। गाइस मैं बताती हूँ चिपकली कहाँ बैठी थी। चिपकली यहाँ थी गाइस, अगर वो अंदर से निकली है कहाँ से निकली है मुझे तो बहम पड़ जाता है, और जब जिस चीज़ का बहम पड़ जाता है ना मुझे, जिस चीज़ का भी बहम हो तो फिर मेरे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले चिपकली को भगाया तो फिर वो इसमें आके गिर गई, बड़ी मुश्किल से मैंने इसमें से निकाली है, बाहर घेर के आई हूँ, मारती नहीं हूँ मैं चिपकलियों को कभी भी, क्यों मारना भी नहीं चाहिए। फिर ये सारे बर्तन मैंने दोबारा से धोए, रात के कुछ बर्तन रह गए थे तो वो तो थे ही, फिर मैंने सारे बर्तन दोबारा से धोए हैं, परात वरात सब कुछ। और यहाँ आटा मांड के रख दिया, यहाँ बन रही है चाय, तन्नू के पापा को दे देती हूँ, फिर वो कहीं पे जाएंगे नहा धो के जोत बाल के। तो चलिए गाइस हलवे की कर लेती हूँ तैयारी, इसे रख देती हूँ दूसरी तरफ, और यहाँ चने भी उबल चुके हैं। हाँ तो 1 मिनट। तो चलिए गाइस पहले मैं थोड़ा सा रवा भून लेती हूँ, और जब डालूंगी घी, थोड़ा सा भुनने के बाद मैं घी डालती हूँ, जैसा मर्जी बना लो, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, रख लिया मैंने घर का घी है गाइस, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ पहले पिछले ब्लॉगों में कि मैंने घी बनाया था घर पे। और यहाँ हो रही है चाय, फटाफट करूँगा जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता ना उतना जल्दी, पता नहीं आज ऐसा हो रहा है गले में खिचखिच सी हो रही है, सोनिया को बुखार चढ़ रहा है, उसका भी गला ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसने जो घर में काम करवाया ना मेरे साथ में इतना करने की आदत है नहीं, और वो लड़की बेचारी सोनिया मेरे साथ में लग गई इतना ज़्यादा, तो उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। और चलो गाइस पता नहीं मेरे गले में भी कुछ हो रहा है, खिचखिच सी हो रही है, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, ना ही हो तो अच्छी बात है, मुझे फिर से जाना अब नौरते ख़त्म होने के बाद में करवा चौथ की शॉपिंग करके आनी है, कुछ थोड़ा सा ही लाऊंगी मैं अपनी जिठानी के लिए लाना है, मैंने तो अपने लिए मंगा लिए साड़ी, अब चूड़ी वूड़ी लानी है अपनी जिठानी की, बिंदी लिपस्टिक लानी है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी। तो
होगा इसे यहाँ हलवा बन हलवे में पानी और चीनी गिरती है और यहाँ मैंने चने छोकने के लिए रखी है। अगर ये फटाफट से ये सारे काम मेरे निमट जाए और जो बाकी टाइम पे हो जाए, टाइम पे मैं मैया रानी का भोग लगा दूँ, जब जाके शांति पड़ेगी। तो चले गए, एक मिनट अभी मिलती हूँ। तो चले गए, सब इनमें गिर देते हैं। अब मैंने देसी घी में ही छोके हैं चने भी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी गेरूँगी कि फिर कोई बच्चे भी नहीं खाएंगे मेरे भी ज़्यादा मेरे से। और हल्दी नॉर्मली सिंपल छोक रही हूँ गाइस। अगर लहसुन प्याज गिरता ना तो बहुत अच्छी तरह से बनते, पर नवरात्रि में माता रख के भोग में तो लहसुन प्याज गिर नहीं सकते हैं। तो चल गए, गैस कर देती हूँ स्लो स्लो, आज में बना लेते हैं और मैं इसको धो के ले आती हूँ। है तो इसमें पर हाँ हैगा। तो चलिए गाइस, फिर भी मेरे को ना आदत इसी से हो रही है। तो चलिए गाइस, इतने यहाँ पे चने होते हैं और यहाँ मैं कर देती हूँ हलवे को भी तैयार फटाफट से। और इसमें मैं कुछ गेरूँगी नहीं क्योंकि बच्चों को पसंद ही नहीं है, वो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं बस। और जल्दी से मैं चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी खाना बन के तैयार हो, माता रानी को हलवे चने और पूरी का भोग लगा दूँ और जब जाके कहीं पूजा वूजा करके ऑफिस में जाके पूजा करके आऊँगी और यहाँ जाके जब चाय पीऊँगी लास्ट में। ओहो मंदा कर दे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में, ये तैयार हो जाए जब मिलती हूँ। तो गाइस, हलवा बन चुका है, छोले बन गए हैं और अब बारी है पूरी की। तो बस जल्दी से पूरी बना लूँ और मैया रानी को भोग लगा दूँ, जब आराम से बैठूँगी पूजा वूजा करके तसल्ली से। और गले में पता नहीं आज क्या हो रहा है, सुई सी चुभ रही है अजीब सा। सोनिया के भी यही हो रहा है, सोनिया के भी गले में सुई सी चुभ रही है। जल्दी से माता रानी का भोग निकल जाए, जब जाती हूँ तो थोड़ी सी शांति होगी क्योंकि फिर नौवीं आठ नौवीं एक है और नौवीं में लग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नौवीं में कन्या नहीं जीतती, हमारे आठवें में जीतती है, तो इसलिए फटाफट से जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी करूँगी मैया रानी का भोग बनाने के लिए। तो गाइस, हम फिर से लक्ष्मी नगर जाएंगे, दुर्गा क्लॉथिंग क्या दुर्गा कलेक्शन जो भी है, उनका नाम मेरे अभी याद नहीं आ रहा है इतना। तो दुर्गा वहाँ से मैं जो कपड़े लाई हूँ मैं तन्नू के लिए, मैं दो तीन जोड़ी कपड़े लेके आई हूँ वहाँ से, बहुत अच्छे कपड़े हैं और दूसरी जगह के रेट से ज़्यादा अच्छे रेट मुझे दुर्गा कलेक्शन दुर्गा क्लॉथिंग कुछ ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिले हैं। तो मैं अब तन्नू के तो बस थोड़े से रह गए, तीन चार कपड़े रह गए हैं हल्दी मेहंदी के और तीन चार जोड़ी उसके शादी के लिए रह गए हैं, बाकी मैं अपने लाऊंगी। और सोनिया ने अपने हल्दी मेहंदी के ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं, गाइस बहुत महंगे हैं, एक ड्रेस उसकी 8,000 की है। गाँव ने क्या पता नहीं क्या मंगाया उसने, अभी मैंने देखा नहीं है, थोड़ी देखूंगी आज कल आएगा। और दूसरा है 6,500, उसको वो कभी कम रेट में लेती है ना, बोल रही है मुझसे मम्मी मुझे ना, मैंने आपको शायद बताया भी होगा ब्लॉग में। तो गाइस, सोने को आ गए हैं हल्दी मेहंदी के, मेरे रह रहे हैं और तन्नू के रह रहे हैं, हमको लेके आना है। और मेरी शादी की ड्रेस रह रही है वो लेके आनी है, सोनिया की हल्दी मैं शादी के रिसेप्शन की लेके आनी है दोनों की। और मेरी बहन जाएगी मेरे साथ क्योंकि मुझे ना इतने जगहों का पता नहीं है कौन सी जगह पे कहाँ पे जाते हैं कैसे जाते हैं, तो इसलिए। तो गाइस, सोनिया ले रही है मुझसे 13,000-14,000 का पर्स मांग रही है, उसका बर्थडे आ रहा है सोनिया का दिसंबर में, तो मैंने बोल दिया ओके बोल दिया है उससे। पर मुझे यह है कि अगर मैं सोनिया को दुआ दूँ ना तो फिर तन्नू मुझसे लड़ेगी,
कहेंगे उसको इतना महंगा धुआ दिया मुझे नहीं, पर मैं तन्नू के लिए भी गाइस बहुत महंगे महंगे पर्स खरीद रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं सोनिया के लिए ले रही हूँ। तन्नू के लिए भी मैंने 3,000 से 3,000 तक ही रुपये पर उसको देखो जाएंगे, पर चक्का चौथ में मैं तन्नू को दूंगी इतना महंगा पर्स। अगर मेरे पास पैसे रहे ना मैं तन्नू को एक पर्स मैं भी दूंगी इसी कंपनी का जिसका सोनिया मंगा रही है। कोई नहीं, वीडियो को तो जितना तो उतना कम है, मुझे तो नसीब अच्छा है कि मेरे भगवान ने कोई लड़की दी है मुझे, तो मेरा नसीब बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए लोग तरस जाते हैं, लड़के तो हो जाते हैं पर लड़कियां बहुत नसीब वालों के घर में पैदा होती हैं, तो मेरा नसीब अच्छा है, मुझे भगवान ने 2 लड़कियां दी हैं। अब जितना मुझ पर बनेगा उतना मैं अपनी लड़कियों के लिए करूँगी। पर मैं बहुत खुश हूँ, चिकन की चिट्ठी गई है ना तो मैं बहुत खुश हूँ। सब चीज़ अच्छी हो गई है, टाइम पर हो गई है, बढ़िया है। बस शादी भी अच्छी तरह से निकल जाए, कोई टेंशन ना हो मुझे किसी भी चीज़ की। जैसे चिट्ठी पे मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बस ऐसे ही सब चीज़ काम अच्छी तरह। ओहो ये गाइस पूरी सारी फूली फूली निकली, आटा अच्छा मंड जाए तो पूरी अपने आप ही अच्छी अच्छी फूल जाती है बढ़िया तरीके से। माता रानी के भोग के लिए तो पूरी बन चुकी हैं, और तन्नू भी नहीं खाएगी, सोनिया भी नहीं खाएगी, तो इन पूरियों को कर देती हूँ यहीं पे बंद। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, भोग मैंने लगा दिया मैया रानी का, पूरी हलवा और चने का, और इन्हीं का ही भोग होता है, और ये मैं किसी कन्या माता को दे दूंगी, गाय को नीचे जाके दे देखाऊंगी, तो आप भी सब दर्शन कर लीजिए मेरी मैया रानी के। जय करा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। तो गाइस माता रानी का भोग लगा के जो बर्तन थे सुबह के चाय वानी के वो धो दिए हैं, और यहाँ रख दिया दूध, छानकर दूध बंद कर दिया, ये हो रहा है दूध, और बाकी का खाना बन चुका है मेरा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस काम सारा निमट चुका है, भोग लगा दिया है, सारा किचन का सब काम निपटा के टाइम हो गया 9:45, 8:30 तक भोग लगा दिया था मैंने। और चलिए गाइस, हाँ देख सकते धुआं धुआं घुट गया पूरा सारे घर में। तो गाइस मैं ले आई हूँ अपनी चाय, और अब बैठ के पी रही हूँ अपने बच्चों के पास, तन्नू और सोनिया के दौर है, उन्हें मैं दिखा नहीं सकती। खाया मुझे जबरदस्ती, तो क्यों बोलते मेरे ब्लॉग में, मैं दिखा दूंगी तुझे फिर गले की माँ की आंख करके। गाइस इसने सफाई, एक मिनट गाइस। तो गाइस सोनिया कह रही है मुझे उठा दिया जबरदस्ती, मैं डेली आती हूँ, सबसे पहले इसी से पूछ के जाती हूँ कि चाय पानी पीना है कि नहीं पीना, क्योंकि इसके भी धूल मिट्टी की वजह से मेरी बेटी की एलर्जी हो गई है गले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि इतना काम करवाती नहीं। और सोनिया ने इस बार वाकई में गाइस या तो चीकू की शादी में बहुत काम करवाया है, और सबकी में करा है, मैं बचपन से सबकी किसकी हो गया है भाई, मैं बचपन से नहीं करा रहा। नहीं वो तो अलग है ना, यहाँ आने के बाद में इतने बड़े बड़े घर की बात कर रही हूँ मैं अपना तो चीकू की शादी में भी सोनिया ने लगन से लेके जब तक शादी हुई है रिसेप्शन तक बहुत काम करवाया था, इस चीज को तो मैं कह सकती हूँ। बस थोड़ी मेरी तन्नू ही आलकसी है, तन्नू के बस की नहीं है मेरी कुछ करना, कभी झाड़ू भी नहीं लगा, तो झाड़ू भी बस ऐसे लगाएगी कोई बात नहीं गाई, सब चार कह रही हूँ, अब कुछ महीनों की तो बात है, अपने ससुराल में जाके झाड़ू पोछा करेगी, क्यों भाई सोनिया हम फ्री में मैं सोए करूंगा सब इस बेड पे तन्नू के जाने के बाद में। ये जो कह रही है तन्नू की शादी हो जाए तो अपने कमरे में जाके सोइए, इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है, एसी भी अपने कमरे में लगाई, सोनिया बोल रही है।
क्योंकि मुझे अकेले। और गाइस इसकी जो ड्रेस आई है ना, ओ हो हो गाइस, ये मुझे दिखाने के लिए वो नहीं दे रही, आपको शादी में देखने को मिलेगा। बहुत महंगी कंपनी से मंगाई है इसने, 13-14 हज़ार रुपये की दो आई है, दो ड्रेस 13-14 हज़ार की, हल्दी मेहंदी की। तो चलिए गाइस चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आप। तो गाइस मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े सुखाने, मैंने कपड़े धोए थे जब से 9 बजे की लग रही हूँ, और टाइम अब हो रहे हैं 10:30। टाइम भी देख लो आप, पीछे दिख रहा है 10:30 बज रहे हैं, 10:45 10:30 कह रही हूँ, 10:45 बज रहे हैं। कपड़ों से भी निमट गई हूँ, घर के सारे काम, सब सब्जी रह रही है, सब्जी बनाऊँगी आलू गोभी की। तो चलिए गाइस कपड़े सुखा जाती हूँ, मिलती हूँ अभी। ये रखे कपड़े, कुछ सुखाए आई हूँ, कुछ रह गए हैं तो इन्हें भी सुखा के आती हूँ। तो चलिए, तो गाइस मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, उसके बाद मैं आके सारे पहले सुखा के गई थी, कुछ ये रहे, कुछ ले आई थी मैं बाल्टी में, मशीन मैंने करा ली है ठीक। अब क्या मशीन ख़राब होगी ना, अब क्या मैं फेंक दूंगी मशीन को उठा के, चाहे मुझे नई लानी पड़े। और गाइस मेरे गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, सुबह तो नहीं थी, अब बहुत थोड़ा थोड़ा गला दुख रहा है, और इसमें मुझे वॉइस आवाज़ देनी पड़ रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा गाइस, सर बुखार भी चढ़ गया मुझे तो। तो कोई नहीं गाइस, तो यहाँ मैंने सारे जो पर्दे वर्दे उतारे थे जितने भी, वो सारे धो दिए थे, बेड की चादर वगैरह सब कुछ। फाइनली सारे कपड़े मेरे निमट चुके हैं, और अब मुझे टेंशन नहीं होगी कि कपड़े धोने हैं या कुछ भी। तो चलिए गाइस अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। मैंने सुखा दिए हैं, और एक ये वाली रस्सी है, ये हैं ये पर्दे वो हैं जो उतरे थे, और ये गाइस सारे उस कोने तक ये तक मेरे हैं, ये वाले भी, और ये रहे, और गाइस और उधर भी मेरे चादर हैं, पर्दे हैं। तो चले गाइस कपड़े सूख चुके हैं, बाल्टी खाली हो चुकी है, जा रही हूँ नीचे। तो अब इसकी करने सफाई, जो गोदाम बन चुका है ना, ये सारा सामान ठीक करूँगी किसी दिन। चलिए तो मिलते हैं नीचे। गाइस गर्म हो रही है, इसमें है आलू गोभी की सब्ज़ी, गर्म हो रही है, मैं क्या करूँ। और यहाँ बनाया मैंने रायता, और इसमें है झुकी हुई मिर्च, और अब बना रही हूँ रोटी। तन्नू बोली बूंदी वाला रायता बना दो तन्नू सोनिया। और इसमें है चटनी, अरे यार हाथ वैसे पक रहे हैं, ये दिया इस हाथ जग गर्म हो रही है इस बहुत ज़्यादा, मैंने खाली करके इसी में घाल के रखती ना, तो गर्म हो रही है सब्ज़ी। रायता बन के तैयार है, बना लेती हूँ रोटी, फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस खाना बन गया, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा बुखार सा चढ़ रहा है, तो खाना बन गया। अब ये सारे भजरोड़ और कुछ बर्तन उसमें पड़े हैं, ये धोने हैं मुझे। ओह तो चले गाइस रोटी तन्नू सोनिया ने खा ली है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, तन्नू पापा आएंगे जब बनेगी उनके लिए। तो गाइस खाना तो बन गया, पता नहीं ऐसा लग रहा जैसे बुखार चढ़ रहा, आँखें भी चढ़ी चढ़ी सी हो रही हैं, और बस अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही इन बर्तनों को धोने की, पर देखती हूँ अगर हिम्मत पड़ी तो दो दूंगी। गले में पता नहीं ऐसा हो रही, सुई सी चुभ रही है, सुबह हल्का कम था और अब बहुत ज़्यादा हो गया, और मुझे अभी सूट में भी ऐसा हो रही, घबराहट सी बन रही है, ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है मेरा। तो मैं ये कपड़े चेंज करूँगी, लोअर टी शर्ट पहनूँगा, पता नहीं शरीर एकदम ऐसा आँख की तरह बन रहा, पता नहीं क्या हो गया आँखों में भी ना, मेरा अजीब सा हो रहा है। गले में गर्म पानी पीती हूँ गाइस, गले में ना सुई सी चुभ रही है। तो चलिए गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइस अब बना रही हूँ पेठा, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गया क्योंकि 3 दिन से मेरी भागा दौड़ हो रही थी, इस वजह से गला बैठ गया है, जुकाम खांसी बुखार हो गया है, और 3 दिन से ऐसा हो गया कि पहले तो पूरे घर की सफाई कराई पूरे घर की, और फिर उससे अगले दिन तन्नू की चिट्ठी जानी थी, फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई, 8 सुबह उठते नहीं, फिर मैंने सारे घर का काम निपटाया, और आज भी फिर मैं सुबह जल्दी उठी क्योंकि 8-9 हो रही थी इसलिए। तो कन्या हम कन्या तो मिलती नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी कन्या, इस वजह से गाइस 2 बजे से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, इतनी तेज़ बुखार, मैंने जो रोटी वोटी बनाई थी सारे बर्तन आप धोए हैं सुबह, किचन वगैरह सब ऐसी पड़ी थी। और फिर सुबह के तन्नू के पापा भी सुबह के गए हुए, अब आए हैं, तो अब मैंने दवाई मंगाई है, अब दवाई लूँगी, चाय रखिए बनने के लिए। बहुत तेज़ बुखार खांसी, और गले में यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे सुई चुभ रही है मेरे। तो चलिए गाइस कन्या तो मैंने नहीं जिमाई क्योंकि यहाँ कन्या मिलती नहीं है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर यहाँ आसपास में इतने घर भी नहीं है, अभी बन तो रहे हैं पर घर नहीं है। तो मैंने माता रानी का भोग लगा दिया था और प्रसाद चढ़ा दिया था, बाकी गाय को दी थी नीचे। तो चलिए गाइस दवाई दिखा देती हूँ आपको, कितनी दवाई आ रही है, दवाई खा के सच में परेशान हो गई हूँ, तो दिखाती हूँ गाइस आपको। तो गाइस यहाँ चाय रख दिए बनने के लिए,
और यहाँ काट लिया मैंने पेठा और ये रही गाइस दवाई। एक गोली तो मैंने 2:30 बजे ले ली थी क्योंकि ये वाला पत्ता मेरे पास बच रहा था। और ये रही गाइस, अब इनमें से ले लेती हूँ क्योंकि बहुत बुरा से। हाँ बेटू चुन चुन मान जा, एक मिनट गाइस। गाइस देख सकते हो 5-6 गोली हो रही है, तो इन्हें खा लेती हूँ, मिलती हूँ अभी। तो चले गाइस दवाई ले लेती हूँ, और मैं सारी ना एक ही साथ लेती हूँ। चलिए गाइस दवाई ले लिए, चाय पी ले चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। तो गाइस मिलूंगी आपको थोड़ी देर में, सब्जी बना लेती हूँ। गाइस बुखार वाला दिमाग चल गया मेरा, चाय पी लेती हूँ उसके बाद मिलते हैं आपको। और ये कर रही मुझे दुखी क्योंकि छारविक आज यहाँ है नहीं, गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया, मुझे भी नहीं पता। आने इतनी देर में तो मेरा जीना आराम कर देता, कभी यहाँ बिठाओ कभी वहाँ बिठाओ। आज सुबह का गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया है। तो चलिए गाइस चाय पी लेती हूँ, 5-10 मिनट आराम करके उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैं आ गई हूँ चाय पी के, तो मैं चाय पी के आ गई, अब छोक रही हूँ मैं सब्जी। और दूध मैंने गैस स्लो कर दिया था, तो गाइस आवाज़ को इग्नोर करना, मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है। तो चलिए गाइस सब्जी छोक लेते हैं। तो गाइस तेल हो चुका है, और अब डाल दी हूँ मैं मेथी और थोड़ी सी सौंफ के दूँगी। तो गाइस इसमें गिर दिया मैंने पेठा, आज सिंपल सा ही बना ली, और थोड़ी सी गिर दी हूँ चीनी और गेहूं, इसमें नमक और मेरी मैया मिर्ची। आज वैसे ऐसी बना रही हूँ गाइस क्योंकि मन ही नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत नहीं पड़ रही, और करना तो पड़ता है ना बच्चों के लिए, क्या करें। और थोड़ा सा गेहूँगी इसमें जीरा मसाला भुना हुआ, आए भैया गले इतना बुरा दुख रहा है ना गाइस, क्या ही। तो गाइस सारे मसाले गेर दिए, अब इन्हें थोड़ी देर सारे मसालों को 3-4 मिनट अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर दूंगी पेठे में। तो चले गाइस अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं अगर मेरे को आगे हिम्मत पड़ी तो मैं ब्लॉग बना लूँगी नहीं छोड़ दूँगी गाइस, मेरे को चक्कर आ रहे हैं खड़े होते हुए। तो चले गाइस मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। इसमें आ गई हूँ, मैं 7:30 बजे चली गई थी सब्जी छोक कर, अब टाइम हो रहा 9:45 बज रहे गाइस। मैं जाकर लेट गई थी, मुझे बहुत बुरी तरह से चक्कर से आ गए थे। गैस मैंने सोनिया से बोल दिया था बंद करने के लिए, 4-5 सीटी आ जाए तो बंद कर दीजो, तो गैस सोनिया ने बंद कर दिया। तो गाइस अब आई हूँ, आटा मान लेती हूँ, और बच्चों के लिए थोड़े से खीरा पड़े ख़राब हो जाएंगे उन्हें काट लेती हूँ। और छारविक का दूध है, छाए के लिए दूध आया हुआ, जब से 7 बजे का ही आया हुआ है, ऐसे ही रखा है, उसे उबाल देती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं आपको। गाइस टाइम देख लो 9:45 बज रहे हैं, और इस टाइम अगर मैं तबीयत ठीक होती मैं रोटी बना चुकी होती। तो चलिए गाइस आटा वाटा मान लो फिर बनाती, हिम्मत नहीं पड़ रही ब्लॉग बनाने की पहले आठ। तो गाइस आटा मान लेती हूँ, टाइम मैंने दिखा दिया 9:45 बज रहे हैं, आटा मान लो, सलाद काट के रख दूँ बच्चों के लिए, छाए के लिए दूध गर्म करके रख देती हूँ, आने वाला होएगा आके फिर वो दूध के लिए रोएगा। तो चले गाइस आटा वाटा मार लो फिर मिलते हो आपको। तो गाइस यहाँ हो रहा है दूध, यहाँ दर दिया मैंने दूध उबलने के लिए, आटा मांड के रख दिया, 5 मिनट बाद इसे दोबारा आटा मांड के ठीक करूँगी। और यहाँ तन्नू के लिए मैंने कर दी सब्ज़ी ठंडी, और ये ढक दिया यहाँ ना, पता नहीं वो छोटे से कीड़े हो रहे हैं ना, वो आ रहे हैं। और यहाँ काट दिए मैंने सलाद, इसे ढक कर रख दिया मैंने। तो और ये थोड़ी सी सुबह की छाय बच गई थी तो मैंने घाल दिया। तो चले गाइस दूध भी उबल चुका है, इसे बंद कर देते हैं।
रख देते हैं और गैस को कर देते हूँ नीचे से बंद, क्योंकि 5 मिनट बाद आके आटा सही करूँगी जब बनाऊँगी रोटी। तो गाइस यहाँ हो रहा है दूध, यहाँ धर दिया मैंने दूध उबलने के लिए, आटा मांड के रख दिया, 5 मिनट बाद इसे दोबारा आटा मांड के ठीक करूँगी। और यहाँ तन्नू के लिए मैंने कर दी सब्ज़ी ठंडी, और ये धर दिए यहाँ ना, पता नहीं वो छोटे छोटे से कीड़े हो रहे हैं ना, वो आ रहे हैं। और यहाँ काट दिए मैंने सलाद, ऐसे ढक कर रख दिया मैंने तो, और ये थोड़ी सी सुबह की चाय बच गई थी तो मैंने घाल दिया। तो चलेगा इस दूध भी बन चुका है, इसे बंद कर देते हैं, रख देते हैं और गैस को कर देते हूँ नीचे से बंद, क्योंकि 5 मिनट बाद आके आटा सही करूँगी जब बनाऊँगी रोटी। तो गाइस खाना बन चुका है और बच्चों ने खा लिया, तनु पापा ने खा लिया, मैंने नहीं खाया, मेरा जी कर नहीं रहा, मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए। और फिलहाल बर्तन ये पड़े और टाइम देख लो आप कितना हो रहा है, 10। तो गाइस मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय और अब किचन सारी साफ करके रख देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी बर्तन वगैरह जो भी हैं जितने भी हैं सारे धो देती हूँ, और उसके बाद चाय बना के अपना आराम से सो जाऊँगी। बुखार गर्म हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे आग बल रही है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।